Today we are feeling proud to announce the name of renowned personality as guest speaker of the event, Dr. Huma Baqai. She is an associate. She is an associate professor and associate dean FBA at Institute of Business Administration, Karachi. Before this position, she served as director public affairs and communication and former chairperson Department of Social Science, IBA, Karachi. She has remained associated with the media for the past several years, both as an analyst and anchor person. She has anchored current affairs shows on News and News One and PTV. Presently, she is associated with Channel Number 24 and Radio Pakistan. She has also taught at Department of Information Relative, Karachi University, for more than 10 years. She is a visiting faculty at AY College, National Institute of Management Sciences, Karachi and Kolkata. She is also a corporate trainer and a coach. Please put your hands together. I would request my audience to give a standing ovation. मेरे पास बिल्कुल अल्फाज नहीं है मुझसे शबीर ऑन एंड ऑफ आए मेरे ऑफिस और आपके बारे में बताया मैं आप ही की बच्ची हूँ क्योंकि मैं इसी कम्युनिटी का हिस्सा हूँ मेरी वालदा की शादी फिर कम्युनिटी से बाहर हो गई लेकिन फिर मेरी शादी कम्युनिटी के अंदर हो गई जो फ्रंट में लोग बैठे हैं वो जरूर मेरे ससुर को और मेरे हस्बैंड को जानते होंगे मेरे ससुर थे हकीम मौजूमुद्दीन बकाई और मेरे शोहर हकीम नवीद बकाई और उन सब लोगों ने जिन्होंने हिम्मत की रिवायत को बरकरार रखा तो पिछले चंद सालों तक मेरे हस्बैंड जो थे वो प्रैक्टिसिंग हकीम थे मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह अब 30 साल हो गए आज से 30 साल पहले जब मैं लोगों को बताती थी कि मेरे हस्बैंड हकीम हैं तो एक साहबा ने तो मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारी शादी जबरदस्ती की गई ऐसा कुछ नहीं हो मेरी शादी बिल्कुल जबरदस्ती नहीं की गई ये पेशा हमारी कम्युनिटी का मान है और मुझे तो हमेशा इस बात पे फख्र रहा कि मेरे जिस खानदान में शादी हुई उसने उस ट्रेडिशन को बका दी दूसरी अहम बात मैं आपको बताऊं कि बहुत अरसे पहले मेरे ख्याल में कोई 10 या 11 साल की थी तो हम हर ईद पर बज़्म अदब के इवेंट पे आया करते थे और फिर ये नाता पता नहीं क्यों कुछ कमज़ोर पड़ा और फिर टूट गया फ्रेंड सर्कल ये नाता जोड़ने जा रही है बहुत शुक्रिया फिर अब मैं आज आपके सामने हूँ मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था कि इतने माशाल्लाह यहाँ यंग बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो मौजूद हैं एक तो यही देखकर आप यकीन कीजिए मेरा खून बढ़ गया है मुझे बहुत खुशी हुई मुझसे शबीर ने कहा था आप कोई भी बात कर लीजिएगा लेकिन मैं वाकई कम्युनिटी डेवलपमेंट पे ही बात करना चाहती हूँ और मैं बात शुरू करूँगी वहाँ से जो मेरे ख्याल है कि आप सबको बहुत अच्छा समझ में आएगा क्योंकि आजकल एक मुल्क है जिससे हम बहुत तंग हैं उस मुल्क का नाम है अमरीका कभी कहता है ये करें कभी कहता है वो करें तो उस अमरीका में दो कम्युनिटीज़ हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक है ज़ाहिर मुसलमानों की कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की अमरीका में रहती है और एक कम्युनिटी है ज्यूज़ की जो आप इज़राइल ज्यूज़ सारी ये बात आपको मालूम होगी यहूदी जिसे हम कहते हैं यहूदी कम्युनिटी भी एक बहुत जब एक स्टैटिस्टिक्स की गई एक एनालिसिस किया गया तो उन्होंने कहा कि इन टर्म ऑफ नंबर्स जो यहूदियों के नंबर हैं और जो मुसलमानों के नंबर हैं वो बिल्कुल बराबर हैं लेकिन जो यहूदियों का इन्फ्लुएंस है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे और उसकी वजह से पूरी दुनिया पे
वो जाहिर है कि मुसलमानों का नहीं है। तो फिर शायद ये सोच पैदा की गई या ये समझने की कोशिश की गई कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि ज्यू कम्युनिटी तीन चार काम हैं जो करती है, और मुझे लगता है कि जो हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी है हमें उनसे सीखना चाहिए। पहला काम वो ये करती है कि वो तालीम को इन्वेस्टमेंट समझती है, ख़र्चा नहीं समझती। आप जो कहते हैं ना कि बच्चों की फीसें बहुत महंगी हैं, दो जोड़े कम बना लीजिए, बच्चों को महंगे स्कूल में पढ़ा दीजिए। कहाँ छुपिया, तालीम इन्वेस्टमेंट है, और तालीम आपको वो अपवर्ड सोशल मोबिलिटी देती है जिसके बाद आप असर रसूख हासिल करते हैं माशरे में। तो जो कम्युनिटीज़ तालीम में इन्वेस्ट करती हैं उन कम्युनिटीज़ को कोई नहीं रोक पाता। अभी आपने फरीदुद्दीन बकाई साहब की तस्वीर दिखाई, मैं उनको मामू कहती हुई बड़ी हुई, वो मेरी वालदा के सगे चचेजाद भाई थे। मुझे पता है कि उनकी बिगिनिंग बहुत कमज़ोर थी, वो एक बेवा शख्स, बेवा औरत के पाँच छः छः बेटों में से एक थे, और उस बेवा औरत ने वाकई सिलाई कर कर पेट काट कर एक ही काम किया था, बच्चों को पढ़ाया था। आज वो नाम यहाँ है, और आज वो नाम सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया में है। तो ये जो तालीम का इन्वेस्टमेंट है ये कम्युनिटीज़ को असर रसूख देता है। फिर हमारी कम्युनिटी में तालीम आम है, जिसकी आज ये रोशन मिसाल है। लेकिन मुझे एक और बहुत अहम बात अपनी कम्युनिटी के मर्दों से कहनी है, और मुझे आपसे ये कहना है कि बच्चियों की तालीम उतनी ही अहम और उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि लड़कों की तालीम। और बच्चियों की तालीम उनके जहेज से भी ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक जहेज कम दे दें, लेकिन उसको इस काबिल कर दें कि वो छः जहेज खड़े कर सकती है, क्योंकि तालीम ये करती है। तालीम आपको इस काबिल बनाती है कि फिर हमारे यहाँ, मैं, मेरा अब मुझे 20-22 साल हो गए हैं तालीम के शोबे से वाबस्ता। मैं आपसे सामने ये गुजारिश करूँ कि जो सिर्फ हमारी कम्युनिटी ने की नहीं, जो तादाद है औरतों की तालीम में बिलखसूस हायर एजुकेशन में वो 400% बढ़ी है। 400%, ये ज़बरदस्त बात है, बहुत उम्दा बात है। और मुझे यकीन है कि हमारी कम्युनिटी का भी हर बच्ची अब स्कूल भी जा रही है, कॉलेज भी जा रही है, और यूनिवर्सिटी भी जा रही है। लेकिन उससे भी अहम बात है जिसको मैं बारे में चाहूँगी कि आज हमारे मर्द हजरात सोचें और फैसला करें, और वो ये है कि अगर हम औरतों को तालीम में बिठा देकर घर बिठा देंगे तो काम पूरा नहीं होगा। हमें औरतों को काम करने की भी इजाज़त देनी चाहिए, उन्हें घर से निकलने की भी इजाज़त देनी चाहिए, उन्हें नौकरी करने की भी इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि हमारी कम्युनिटी खड़ी नहीं हो सकती अगर हम ये नहीं करेंगे। और फिर शायद मेरे और आपके जहन में ये खौफ होता है कि माशरे में कैसा माशरा है, माशरे में वायलेंस है, माशरे में ज़्यादती है, माशरे में ख़वातीन का बाहर निकलना मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है, मैं कहती हूँ वो हर वो औरत जो बाहर निकल के काम करती है वो जिहाद करती है, लेकिन ये जिहाद कर लें। और उसके साथ साथ एक और बात भी आपके गोश गुजार कर दूँ, ये भी मैं बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स के हवाले से बात कर रही हूँ, कि जो हम कहते हैं ना कि घर के बाहर वायलेंस है, तशद्दुद है, मसाइल हैं, 70% औरतों के साथ घरों के अंदर ज़्यादती होती है, घरों के बाहर नहीं। और जब आप औरत को तालीम के जेवर से आरास्ता कर देते हैं और फिर वो अपने तालीम को से अपने लिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हासिल करती है तो ये वायलेंस 70% कम हो जाता है। तो अपनी बच्चियों को महफूज कीजिए, उन्हें तालीम देके, उन्हें इकोनॉमिक एम्पावरमेंट देके। ये मेरी आपसे बहुत बहुत मुअद्दबाना गुजारिश है। वो तमाम वालिद जो यहाँ बैठे हैं, वो तमाम यंग शोहर जो यहाँ बैठे हैं, और जो तमाम बच्चियाँ यहाँ बैठी हैं, तालीम के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा हक है।
जिस तरह से जिंदगी हक है, जिस तरह सेहत हक है, बिल्कुल उसी तरह तालीम हक है। निकाह भी सुन्नत है और हसूल तालीम भी सुन्नत है। बोल रही हूँ, मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं कह रही है सारी बातें आपने ख्वातीन के लिए कर दी, अब हजरात के लिए भी कुछ कहिए। मैंने ये और भी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कम्युनिटीज़ को मजबूत करने के लिए आपकी सोच में तब्दीली की ज़रूरत है। लेकिन मैडम लेकिन एक और गुजारिश भी करना चाहूँगी। तालीम हासिल करने मेरा फोकस बहुत ज़्यादा तालीम पे, मुझे लगता है कम्युनिटीज़ उससे स्ट्रेंथन होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बच्चे हमारे लड़के या लड़कियां जो भी तालीम हासिल कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आपकी तालीम रेलेवेंट हो। हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ डिजिटलाइजेशन, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी जो है वो सुप्रीम हो जाएगी, तो बहुत सारी नौकरियाँ अगले 20 सालों में ख़त्म हो जाएंगी। और आपको ये फैसला करना है कि अगले 20 साल में आपको रेलेवेंट रहना है या नहीं रहना। तो सिर्फ तालीम काफ़ी नहीं है, आप अपने बच्चों की क्या तालीम दे रहे हैं उससे भी ज़्यादा अहम है। इसकी मैं बहुत एक छोटी सी मिसाल देती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, और वो ये कि देखिए, जब कंप्यूटर आए ना, तो जिसने कंप्यूटर चलाना सीख लिया उसके पास नौकरी है, जिसने कंप्यूटर चलाना नहीं सीखा और टाइपराइटर पे अटक गया वो सिटी कोर्ट के सामने दरख्त के नीचे बैठा है। खुद फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है और कैसे करना है और किस तरह करना है। ये वो चंद बातें थी जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। कम्युनिटी सर्विस या कम्युनिटी सिर्फ अपने लिए काम करके मजबूत नहीं होती, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की मिसाल ले लें तो तीन कम्युनिटीज़ हैं जिसका अब आप बहुत नाम सुनते हैं। शुरू हुआ ज़ोरास्ट्रियन कम्युनिटी, जो पारसी कम्युनिटी है, उसके बाद जो बहुत कम्युनिटी यहाँ पर उसका एक बड़ा नाम है वो आगा खान कम्युनिटी है, और जो तीसरी कम्युनिटी है वो मेमन कम्युनिटी है। ये कम्युनिटीज़ क्या कर रही हैं? जिस हॉल में आप बैठे हैं ये किसी का पारसी ने बिल्ड किया था, NED यूनिवर्सिटी किसी पारसी ने बनाई थी, इसी तरह BVS स्कूल, मावा पारसी स्कूल और बहुत सारी वो पुरानी बिल्डिंग्स, मेट्रोपोल वगैरह, ये ज़ोरास्ट्रियन कम्युनिटी ने बिल्ड की थी। और उन्होंने, वो नंबर में बहुत कम थे, तो उन्हें लगा कि अगर वो माशरे को कुछ वापस, और बहुत अमीर थे, उनके पास बहुत पैसा भी है, आज भी बहुत पैसा है, तो उन्हें माशरे को कुछ वापस करने की ज़रूरत है। इसी तरह जब आगा खान हॉस्पिटल बना तो समझा गया कि बहुत अमीरों का अस्पताल बन रहा है। इस वक्त एक स्टडी की गई है जिसमें 60% लोग फैज़याब होते हैं आगा खान यूनिवर्सिटी से, और वाकई वो गरीबों का भी इलाज कर रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि एक अच्छा इलाज जो कहीं और आपको मैसर नहीं है, आपको अपने मुल्क में मैसर है। कम्युनिटीज़ उस वक्त ताकतवर होती हैं वो जब सिर्फ अपनी कम्युनिटीज़ के लिए कुछ ना करें बल्कि माशरे को कुछ वापस दें। हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, हमें विजिबिलिटी की ज़रूरत है। तो मेरी और आपकी विजिबिलिटी इस तरह है कि हम अपने लोगों के साथ लिए तो काम भी करें, लेकिन हमारा काम इस तरह माशरे में शोकेस हो कि हमें हम नज़र आए। उससे भी ज़्यादा अहम बात करने जा रही हूँ, सियासत गंदी चीज़ नहीं है। अगर आप सियासत में नहीं आएंगे आपका इन्फ्लुएंस नहीं होगा। और मैं दोबारा अपनी अमरीका की मिसाल पर वापस जाऊँगी, वहाँ पे मुसलमानों ने अपने आप को सियासत से अलहदा रखा हुआ था, उनका असर रसूख कम होता चला गया। यूके में, ब्रिटेन में मुसलमानों ने अपने आप को सियासत का हिस्सा बनाया, आज ब्रिटिश इलेक्शंस में मुसलमानों की वॉइस को काउंट किया जाता है, उनके मसाइल को काउंट किया जाता है। कल की तरफ निगाह रखिए, कल के बारे में सोचिए, क्योंकि इस मुल्क में हमारे बच्चों को बड़ा होना है, और हमें आज ऐसे अहम फैसले करने हैं कि कल इस मुल्क में, इस शहर में हमारे बच्चों के लिए जगह हो और वो जगह हक से बने, खैरात में ना मिले। और आखिर में एक अहम बात ये कि हमारी कम्युनिटीज़ का ये मसला है कि हम अपनों को ऊपर आने से रोक देते हैं। हमें लगता है हम यहाँ पहुँच गए हैं तो दूसरे का हाथ नहीं पकड़ते। अगर हम हैंड होल्डिंग नहीं करेंगे, अपनों का हाथ नहीं पकड़ेंगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे?
इसलिए मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूँ कि आज आपने मुझे इज्जत बख्शी और आप सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के उन्हें आगे ले जा रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. बोलो थैंक यू. थैंक यू मैडम. थैंक यू वेरी मच. एक दो सवाल है आपसे पूछना चाहूँगा, तो आई होप कि आप उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगी. बेसिकली जब भी मैंने मैडम को टॉपिक दिया था कम्युनिटी की डेवलपमेंट पे एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, जी, तो मैडम जो है मेरे ख्याल से एनुअल जनरल मीटिंग में थी, इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जी, मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में थी, क्योंकि मैंने गूगल करके देख लिया था कि मैडम जिस कंट्री में गई है वहाँ कौन सा इवेंट चल रहा है. नहीं, इसने ये देखा था कि सही भी गई है कि नहीं गई, ऐसे ही चली गई. मैडम की एक अच्छी जो सबसे अच्छी बात लगी जो मैडम ने शेयर नहीं करी, मैडम इतनी हम्बल है, इतनी हम्बल है. लास्ट ईयर जब हम मैडम के पास गए थे तो हम लोग बहुत जो है हेजिटेट थे कि भाई इतना बड़ा नाम हम लोग जा रहे हैं, चार लड़े क्या कहते हैं कम्युनिटी फ्रेंड सर्कल के मेंबर, पत्नी मैडम रिस्पांस देंगे या नहीं. लेकिन मैडम ने इतना जबरदस्त हमको जो है वो रिस्पांस दिया जिसके ब्याह पे इस साल हम गए. और जब इस साल गए तो मैडम के जो मुझसे लड़कों ने कहा बाहर निकल, कहने लगे मैडम ने अपने रूम में ना लिखा हुआ था टाइम शब्बीर बकाई 2 PM. यानी कि इसका मतलब है कि फ्रेंड सर्कल अब कम्युनिटी हॉल से निकल के कराची के जो मुख्तलिफ एरियाज हैं और जो हमारे जो मेंबर्स हैं वहाँ तक पहुँचना शुरू हो चुकी है. कि एक मिसाल आज डॉक्टर हुमा बकाई जो है वो हमारे साथ हैं. मैडम आपने डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो बहुत अच्छे से उसको क्या कहते हैं डिफाइन किया है. देखिए कोई भी कम्युनिटी की डेवलपमेंट जो होती है यकीन पीछे जो लोग वो की सोच होती है जो उसके पीछे वर्किंग करते हैं ना, वो एक पूरा बोर्ड होता है, उसमें बहुत टेक्निकल क्वालिफाइड लोग यकीन उसमें होते हैं, तब जाके कोई भी एक कम्युनिटी इस स्टेज पे पहुंचती है कि दूसरी कम्युनिटी उसकी एक मिसाल देके उनको क्या कहते हैं एग्जांपल के तौर पे देखती है. फ्रेंड सर्कल आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती है और वो ये है कि फ्रेंड सर्कल चाह रही है कि एक एडवाइजरी बोर्ड बनाएं जिसमें हम अपने प्रोफेशनल जो कि अच्छी यानी कि की पोजिशन पर बैठे हुए हैं, जैसे डॉक्टर हुमा बकाई इज वन अमंग ऑफ देम, तो हम चाह रहे हैं कि आप हमारा जो एडवाइजरी बोर्ड है उसकी चेयरपर्सन बन जाएं. जब हमारे पास कोई भी इवेंट आएगा तो हम डॉक्टर हुमा बकाई से सिर्फ टाइम लेंगे और एक मीटिंग में सिर्फ एडवाइस लेंगे. मैडम हम ये करना चाह रहे हैं, आपकी क्या राय है इसके अंदर? अरे ये पोजीशन हम लोगों ने निकाली है फ्रेंड सर्कल ने, अगर आप इसके लिए हाँ भी भर लें. मेरी इज्जत अफजाई है, मैं जो भी कर पाऊंगी करूंगी. थैंक यू मैडम. थैंक यू. थैंक यू मैडम का टाइम जो है बहुत कीमती है, सफर बहुत लंबा करके आई है. तो मैडम आखिर में बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? एक ही मैसेज है, कल नहीं आज तुम्हारा है. और यू नो सिर्फ तालियां बजाने से नहीं, सोचना यह है कि कल तालियां तुम्हारे लिए बजनी चाहिए. ठीक है मैडम.